हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द की पॉइंट्स अनलॉक द डोर ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं फिर से उपस्थित हूं आज नए टॉपिक्स के साथ और सभी छात्रों को झारखंडी जोहार। तो दोस्तों, आज हम लोग पंचपर्गनीय भाषा का जो क्लास चल रहा था, आगे हम आज स्वर्ण वर्ण पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भजार्ण वर्ण यानी राव वर्ण यानी स्वर्ण वर्ण पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भजान वर्ण यानी व्यंजन वर्ण। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो भजान वर्ण यानी भजान वर्ण के कहल जाएला, भजान वर्ण का के कहल जाएला। तो भजान वर्ण हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन परिभाषा। तो हमारे परिभाषा देखती जे वर्णों गिला केर उच्चारण राव वर्णों केर जोगाजोग महान होयला से गिला के भजान वर्ण कहल जाएला। यानी जिस वर्ण की सहायता से यानी स्वर्ण वर्ण की सहायता से जो वर्ण को हम लोग उसके सहायता से हम लोग जो कहते हैं उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण यानी भजान वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग क ख ग घ एम आइन हमारे कहती है जैसन कि क ख ग घ धन क क कैसे ले बनेला तो क क जोड़ अ। ठीक, इटा आगे हमरे पढ़बे कि कैसे ले बनेला संधि में। ठीक है, तो डॉक्टर करमचंद अहिर के व्याकरण के अनुसार में पंचपर्गनिया में पर पंचपर्गनिया क 32 भजान वर्ण आए। कोईटा भजन वर्ण है 32 एहर क्वेश्चन एहर पूछी तो तोहरे के अलग सिर ऑब्जेक्टिव क्लास दल जाए जेटा कि तोहरे जे एग्जाम आवे वाला के। ठीक, कुछ दिन में है एग्जाम जे हो तोहरे झारखंड उत्पाद सिपाही आर का एग्जाम हो स्पेशल ब्रांच यानी विशेष शाखा अच्छी कॉलेज के डर तो उटा महन पूछे सकेला सेरकम तरह क्वेश्चन दल जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराल जाए। ठीक है, तो डॉक्टर करमचंद अहिर के व्याकरण के अनुसारे डॉक्टर करमचंद अहिर के व्याकरण के अनुसारे पंचपर्गनीय 32 भजान वर्ण आहे मिंतु डॉक्टर चंद्रमोहन महतो के अनुजाई माने अनुसारे 31 भजान वर्ण आहे। डॉक्टर करमचंद अहिर के अनुसार 32 भजन वर्ण और चंद्रमोहन महतो के अनुसार कतिकटा 31 भजन वर्ण है। हाँ, एबार नोट लिखा सब इटा बहुत महत्वपूर्ण के एग्जाम को दृष्टि लो। ठीक है, तो लिखल जा कि र इया न स स छ त्र आर ज्ञ केर का हला एकर व्यवहार पंचपर्गनीय महन नहीं करल जाएला। ठीक है, एकर व्यवहार नहीं होएला पंचपर्गनीय महन एकर व्यवहार जतिक जे है इलाके व्यवहार नहीं करल जाएला। ठीक है, एक तरह संग एक अनुरोध है कि पेन और कॉपी कलम कॉपी यदि नीक निकला यहाँ और नोट नहीं करते जावाला तो तोहरे बहुत दिक्कत हो। यह तेह तोहरे संग अनुरोध है कि तोहरे पेन कॉपी निकला लेवा और नोट करते जावा। ठीक है, अगला पॉइंट हमरा देखिला कि पंचपर्गनिया माहने न या न ई तीनों नाकू बरण के उसरेने नी होला एकर उसरण नी होला। ठीक है, एकर उच्चारण नी होला तो आर इकर व्यवहार शब्द महान होए तखन न अनुस्कार केर प्रयोग होला एकर जखन प्रयोग होला तो एकर पंचपर्गनिया माने का प्रयोग होला एकर शब्द महान होए से समय से तखन न यानी अनुस्कार के प्रयोग होला जैसन कि निमुदे गंगा तो गंगा के हमरे ऐसा लिखिला हिंदी में है लेकिन हमरे पंचपर्गनीय में गंगा लिखा है अनुस्कार आएला। ठीक, चंचल चंचल कर चंचल लिखिला मुंडा के मुंडा लिखिला कांड के कांड एमन होला। ठीक है, अगला हमरे अगला पॉइंट देखिला तीसरा पॉइंट तीसरा नंबर पंचपर्गनिया तालवश्य आर दंतस केर का हैला तो एकर अस्पष्ट उच्चारण तालवश्य आर मूर्धन्य केर अस्पष्ट उच्चारण नी होला से तेह एकर बदले दांतलुस धनस केर व्यवहार होला दांतलुस कहल जाला एकर व्यवहार होला। ठीक है, अगला पॉइंट देखिला हमरे पंचपर्गनिया माहने
यो आर ब दियो केर व्यवहार पवायला, यानी पंचपरकनिया माहने यो और ब दियो केर व्यवहार पवायला मिन्तु जदि शब्द कर आग्राई आहे होले यो आर ब केर जागाए कर्मश जो आर ब केर प्रयोग होला, जो आर ब कर प्रयोग होला। ठीक है, जैसन कि निमुद यमुना, यमुना हिंदी कर यमुना के हमारे पंचपरगने महन यमुना कहिला, यात्रा कर यात्रा कहल जाएला, वन वन यानी व के ब कहल जाएला तो ब कर वन कर वन होला। विवाह हिंदी कर विवाह के हमारे पंचपरगनिया महन विवाह लिखते ही। ठीक है, एमाइन होते हैं। पांचवा पॉइंट है पंचपरगनिया महने, तोरे संग अनुरोध है कि नोट करते जावा ताकि अगला दिक्कत नहीं है तोरे। ठीक है, पंचपरगनिया माहने अच्छ के उच्चारण छ आर ख होला, का होला छ और ख होला। जे निमुदे जैसन कि क्षमा, क्षमा के हमरे क्षमा या क्षमा कहते ही ऐसन लिखाते हैं। ठीक है, अक्षर केर अक्षर या अखर कहल जाएला, पंछी कर पंछी या पंखी कहल जाएला, एमाइन होला। ठीक है, एमाइन मतलब आदि। ठीक है, तो जैसन आगे अगला पॉइंट हमरे देखो भी और एक अनुरोध है सभी दोस्तों से, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल द की पॉइंट्स अनलॉक द डोर ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन के वीडियो प्रोग्राम में जो वीडियो डाले जाएंगे आप लोगों को नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। यानी सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी दोस्त हैं आप लोगों के व्हाट्सएप में फेसबुक में जितने दोस्त हैं सबको बताइए। सभी ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के सहपाठियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड विशेष शाखा आरक्षी का जो क्लास, वीडियो क्लास प्रोग्राम चल रहा है हमारे YouTube चैनल द की पॉइंट्स अनलॉक द डोर ऑफ सक्सेस पर, यह उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों को कोचिंग करना ना पड़े, शहर जाने में असुविधा होती है। ग्रामीण छात्रों के जो छात्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं उनको परेशानी होती है, उनको अच्छे कोचिंग नहीं मिल पाते हैं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उन लोगों को यह वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि उन लोगों को एग्ज़ाम पास करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आगे फिर चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। छठा पॉइंट है ग्यो केर उच्चारण पंच परगनिया महान गो के होला। ठीक है, निमुदे का हला जैसन की आज्ञा आज्ञा के कहल जाएला, का लिखल जाएला पंचपरगनिया महन आज्ञा, आज्ञा लिखल जाएला, ज्ञान, ज्ञान के का लिखल जाएला ज्ञान, एमाइन। अगला सातवां नंबर पॉइंट हमरे कहला कि त्र, त्र केर उच्चारण
तो आर रो अलग अलग होला, ठीक है, अलग अलग होला जैसन कि निमुदे निमुदे छतरी, हिंदी कर छतरी, छतरी के हमरे खतरी लिखिला, ठीक है। पंच प्रकार मान का लिखिला, खतरी लिखिला, यात्री, यात्री के का लिखिला, जात्री लिखिला, एमाइन, ठीक। तो हमरे आज कर क्लास महन का सीख ली, आज हमरे क्लास महन सीख ली कि भोजन वर्ण काके कहल जाएला, कोयटा रहेला, और एक जे महत्वपूर्ण पॉइंट गिला है कौन आखट्टा केसन परिवर्तन होला हिंदी ले पंचपर्गरिया महन, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह जरूर अपने हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और आप लोगों से अनुरोध है कि यह वीडियो को शेयर कीजिए, पूरे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में शेयर कीजिए जिससे ग्रामीण छात्र को फ़ायदा हो, ठीक है। और लाइक और शेयर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट भूलिएगा मत। और इसी के साथ आज का वीडियो क्लास प्रोग्राम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।